आज से शरदीय नवरात्र की शुरुआत, माँ का दरबार सब सज चुका है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना। नवरात्र से पहले मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखी जा रही है। अगले 9 दिन तक मंदिरों में विशेष पूजा। मुंबई के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के रतलाम में नगर निगम का फैसला, नवरात्र मेले में दुकानदारों को लगानी होगी नेम प्लेट, मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई। मधुपुर में और बढ़ा तनाव, इसराइल का दावा, लेबनन से किए गए हमले, 100 से ज्यादा रॉकेट के किए गए अटैक। भारत में इसराइल के राजदूत रुविन अजार ने एबीपी न्यूज से स्टूडियो में बड़ा खुलासा किया, कहा कि ईरान के हमले को माकूल जवाब मिलेगा। यूपी के मेरठ में नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि देने को लेकर हंगामा हो गया, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, परतापुर थाने में शिकायत दर्ज। अमेठी में बिना परमिशन कैंडल मार्च निकालने का मामला सामने आया, प्रदर्शन करने वाले आयोजक सहित 8 लोगों की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के असिस्टेंट प्रोफेसर ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई नसरुल्लाह की फोटो, मेरठ के बीआईटी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर ने ये फोटो लगाई। एपीआई नेता इंजीनियर रशीद ने दावा किया, जम्मू कश्मीर चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर चौंका देगी उनकी पार्टी, नतीजों के बाद गठबंधन पर फैसला लेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक कर्रा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर समान विचारधारा वाले दलों व्यक्तियों से समर्थन के लिए कांग्रेस एनसी गठबंधन के लिए तैयार है। पंजाब में किसानों का आज रेल रोको आंदोलन है, 2 घंटे के लिए ट्रेन रोकी जाएगी, करीब 35 जगहों पर ट्रेन रोककर धरना देने का आयोजन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत का दावा किया, सीएम के सवालों पर बोले आलाकमान का फैसला सबको मंजूर होगा। आज थम जाएगा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का अभियान, 80 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, नूह महेंद्रगढ़ में उनकी जनसभा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों से कहा कि आप बॉर्डर पर बैठे रहें, मोदी जी आपसे मिलने कभी नहीं आए, अब आपको इसका जवाब देना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 400 पार का क्या हुआ, हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक नहीं होगी। सीट शेयरिंग को लेकर के महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि लेफ्ट के नेताओं से भी बात हुई है। अमित शाह के बयान पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, शिंदे और अजित पवार इशारा समझे, अजित पवार उतारेंगे मुस्लिम उम्मीदवार। एनसीपी शरद पवार पार्टी के नेता जितेंद्र आह्वान ने कहा कि अजित को मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से कोई फायदा नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का दावा किया तो जितेंद्र आह्वान ने कहा कि ये सिर्फ वोट की राजनीति है, गृहमंत्री को नहीं देना चाहिए ऐसा बयान। महाराष्ट्र में कांग्रेस महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाएगी, शुरू करेगी लापता लेडीज अभियान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहने वाली हैं, उदयपुर में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर रहेंगे, अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होनलिस ने काशी में गंगा आरती देखी, नमो घाट से क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट तक पहुंचे। झारखंड की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों की बढ़ती आबादी जेएमएम और कांग्रेस में सत्ता की भूख का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा आदिवासी समाज को कांग्रेस ने कभी महत्व नहीं दिया, परिवारवादी सोच ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा गृह मंत्रालय ने दिया पीएम या गृह मंत्री से मुलाकात का भरोसा। सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों को हिरासत में लेने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, दिल्ली में प्रदर्शन पर लगी रोक को भी चुनौती। त्योहारों के दौरान दिल्ली में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है, विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रामलीला के आयोजक और पुजारी।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस के आदेश को बताया तानाशाही। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि त्योहार के समय लगाई गई धारा 163। त्योहारी सीजन में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक, दिल्ली पुलिस के आदेश का विरोध बढ़ा। तेलंगाना में मंत्री कोंडा सुरेखा के बयान पर विवाद हो गया। बीआरएस नेता केटीआर को बताया समांथा नागा चैतन्य की तलाक की वजह। केटीआर ने कोंडा सुरेखा को भेजा लीगल नोटिस। बीआरएस से पलट ने किया पलटवार। पूछा क्या प्रियंका और राहुल बयानबाजी का समर्थन करते हैं। नागार्जुन ने मंत्री कोंडा सुरेखा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। तुरंत माफी मांगने की मांग की। नागा से तलाक पर मंत्री के बयान से नाराज समांथा रूथ प्रभु, बोली प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें। मैसूर शहरी प्राधिकरण के भूखंड आवंटन में गड़बड़ी का आरोप। ईडी ने जांच शुरू कर दी है। एबीपी न्यूज से बोले प्रशांत किशोर, बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी का आरोप, शराब कंपनीज के पैसे से लॉन्च हुए हैं प्रशांत किशोर। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का आरोप, प्रशांत किशोर ने कई दलों के साथ काम किया लेकिन किसी ने उन्हें दोबारा वापस नहीं बुलाया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा, बीजेपी की बेबी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट है जनसुराज। बिहार का ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड, आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा। मामले में सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला समेत 8 आरोपी बरी हो गए थे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लगाई थी फटकार। तिरुपति लड्डू मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जांच एजेंसी तय करने पर भी फैसला होगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। 5,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। गाजीपुर में युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर ठगी, अभ्यर्थियों की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रयागराज में चोरी की वारदात के 8 दिन बाद चोर को गलती का एहसास हो गया। चोर ने माफीनामा लिखकर मंदिर की मूर्तियां लौटाई। द्वारका के खंभालिया नगर पालिका का हाल बेहाल है, बिजली का बिल 84 लाख रुपए बकाया है, कभी भी बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, धमाके में 3 लोगों की मौत, कई बुरी तरीके से झुलसे। इंदौर के घर में आग लगने की घटना, हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत। इमारत की पहली मंजिल से 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का सितम है। विजयवाड़ा में बारिश के बाद कई इलाके जलभराव। बिहार के शिवहर में भारी बारिश से उफान पर बागमती नदी, तटबंध टूटने से बाढ़ आई, कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। 56 साल बाद बर्फ में दबा मिला सहारनपुर के जवान का पार्थिव शरीर। 1968 के विमान हादसे में हो गए थे लापता। विमान से चंडीगढ़ लेह के लिए उड़ान भरी थी। आईसीयू जनरल वार्ड में शिफ्ट किए गए गोविंदा, आज डॉक्टर डिस्चार्ज को लेकर फैसला ले सकते हैं। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा के मुताबिक लॉक वाली अलमारी में रखने के दौरान गिरी थी रिवॉल्वर। आज से यूएई में विमेन टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत है। कल भारतीय टीम का न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। टी20 सीरीज की तैयारी, 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच ग्वालियर में मुकाबला होगा।